हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं नितेश यादव, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर, जो आपका नया यूट्यूब चैनल है उस पर आपको रीजनिंग की क्लासेज अवेलेबल करवाऊंगा। और एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर आपको रीजनिंग के अलावा मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स सारी क्लासेज आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराई जाएंगी। एवरेस्ट इंस्टीट्यूट अलवर में ऑफलाइन अपना नाम काफ़ी आगे करने के बाद खास तौर से आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर। मैं आपके लिए क्लासेज लगाऊंगा रीजनिंग के लिए। सबसे पहले चीज, अगर मैं रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट की बात करता हूं, सबसे पहले तो रीजनिंग का बेसिक कंसेप्ट होता क्या है, रीजनिंग कितने टाइप्स की होती है, आपको रीजनिंग में कैसे स्कोर करना होता है, रीजनिंग किस कार्य के लिए आपको एग्जाम में आती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, रीजनिंग एग्जाम में केवल दो पैटर्नों के लिए अवेलेबल होती है। दो पैटर्नों के अंदर अगर बात करूं नंबर फर्स्ट की, सबसे पहले रीजनिंग का काम होता है आपका टाइम बचाना, सबसे पहली चीज, क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन से आपके होते हैं वो काफी कम टाइम लेते हैं, खास तौर से वर्बल एंड नॉन वर्बल जो आपके दोनों पैटर्न होते हैं। इसके अलावा मेरिट को इंक्रीज करने का काम भी किसका होता है फ्रेंड्स, रीजनिंग का। रीजनिंग के अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो रीजनिंग वैसे तो मैक्सिमम आप लोगों ने पढ़ी होगी दो टाइप की, लेकिन रीजनिंग को अगर हम देखे जाए अगर टाइप वाइज तो रीजनिंग आपकी होती है तीन टाइप्स की। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के टाइप्स के बारे में, सुनिए। तो रीजनिंग आपकी होती है तीन प्रकार की। तीन प्रकार की रीजनिंग के अंदर अगर मैं नंबर फर्स्ट की बात करता हूं तो नंबर फर्स्ट पैटर्न पर आपके आती है रीजनिंग बर्बल रीजनिंग। बर्बल को अगर मैं हिंदी माध्यम में बताऊं आपके लिए तो सबसे पहले रीजनिंग होती है आपकी तार्किक, जिसको हम बोलते हैं बर्बल। रीजनिंग के पॉइंट नंबर टू की बात की जाए तो रीजनिंग का पॉइंट नंबर टू आपका होता है अतार्किक, जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉन वर्बल। अब आप कहेंगे सर ये रीजनिंग का थर्ड पार्ट कौन सा आ गया, तो डियर स्टूडेंट आपको जो रीजनिंग का पार्ट नंबर थ्री मिलेगा वो आपको मिलेगा एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। तो यहां से आप लोगों ने देखा कि रीजनिंग आपकी तीन प्रकार की होती है, सबसे पहला तार्किक, नंबर टू अतार्किक, नंबर थ्री विश्लेषणात्मक। रीजनिंग के 28 से 30 टॉपिकों को रीजनिंग के तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहला कौन सा आता है तार्किक, नंबर टू पे कौन सा आता है अतार्किक, और नंबर थ्री पे कौन सा आता है आपका विश्लेषणात्मक। अब किन टॉपिकों को किस भाग में बांटा गया है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका आता है तार्किक रीजनिंग का। तार्किक रीजनिंग के लिए सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो होता है रीजनिंग का बेस। आपको किसी भी सब्जेक्ट में आगे जाना हो सबसे पहले आपको उसका बेसिक पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आप उस बेसिक में अच्छा हो तो आपके लिए वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और मैं आपके लिए वही लेके आया हूँ। सबसे पहली चीज़ रीजनिंग का जो बेसिक होता है तार्किक लेवल पे, तार्किक में जो नंबर फर्स्ट आता है वो होता है आपका वर्णमाला। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बाद अगर हम आगे बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट पैटर्न होता है वो होता है सभी का फेवरेट कैलेंडर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वो होता है आपका घड़ी। उसके बाद आगे चलते जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा वो आपका आएगा दिशा। नेक्स्ट की आगे बात की जाए रक्त संबंध। उसी प्रकार आगे चलते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट यहां पे आता है घनपासा। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट आपका आता है क्रम परीक्षण, जिसको हम लोग नाम देते हैं रैंकिंग टेस्ट। ऐसे ही आपके यहां पर आने वाले टॉपिक्स होंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि बैठक व्यवस्था,
पजल टेस्ट आपकी हो गई, पहेली परीक्षण। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये आपका कौन सा पार्ट रहेगा फ्रेंड्स, तार्किक। तार्किक मतलब बोले तो आपका जो बर्बल पार्ट होता है वो आपका रहेगा तार्किक लेवल का। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर टू आपके अतार्किक। अतार्किक के अंदर अगर मैं बात करता हूं टॉपिक नंबर फर्स्ट की, तो टॉपिक नंबर फर्स्ट आपका होता है एनालॉजी। कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, एनालॉजी। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला है क्लासिफिकेशन। कौन सा रहेगा, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला टॉपिक आपके पास आएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं आप सभी जानते हो नॉर्मली, जहां पर प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को गुणा कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए, भाग को प्लस कहा जाए, ऐसे लगातार समीकरण आपके चेंज होते रहेंगे। यहां से आपके क्वेश्चन तो आना तय है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपकी आती है सीरीज। नेक्स्ट आपका आता है मिसिंग नंबर, जिसको हम लोग नाम देते हैं मिसिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो पेपर कटिंग आता है, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब आता है। उसके बाद मैट्रिक्स भी आपका आता है। मैट्रिक्स के अलावा जो आपके नॉन वर्बल पार्ट है उनमें पेपर कटिंग भी आपका होता है। और बात करते हैं पार्ट नंबर थ्री की। पार्ट नंबर थ्री मतलब विश्लेषणात्मक जो आपकी तर्क शक्ति होती है, जो आपका रीजनिंग का काफी महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, उसमें जो आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट रहेगा वो रहेगा आपका कथन निष्कर्ष, जिसको आप लोग दूसरे नाम से जानते हो। उसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, न्याय वाक्य। सेकंड नाम क्या है उसका, न्याय वाक्य। आगे बढ़ते हैं, न्याय वाक्य के बाद जो आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा आपका बेन आरेख। वो पॉइंट क्या रहेगा आपका, बेन आरेख। बेन आरेख के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका आ जाता है जो काफी अच्छा टॉपिक माना जाता है, कथन अवधारणा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कथन अनुमान। नेक्स्ट आपका आ जाता है कथन तर्क। नेक्स्ट आपका आ जाता है कथन और कार्यवाही। उसी प्रकार से अगर आगे की बात करते हैं तो अभी इन टॉपिक्स के अलावा रीजनिंग के अंदर आपके जो टॉपिक्स रहने वाले हैं उनमें अभी इक्वलिटी है, नॉन इक्वलिटी है, यानी कि समानता असमानता। पटवारी के अंदर अभी एक नया टॉपिक ऐड किया हुआ है, वो है हमारा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट टॉपिक तो है बैंक का, लेकिन पटवारी के सिलेबस में उसको ऐड करने के बाद टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। इनपुट आउटपुट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पटवारी में आपको सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके हैं वो ये सारे पॉइंट नंबर थ्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रेलवे सिलेबस, जैसे कि आपको लास्ट में देखने को मिला था। कथन निष्कर्ष के अलावा अवधारणा, अनुमान, तर्क और कार्यवाही के क्वेश्चन काफी देखने को मिले थे असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर। संभावनाएं बढ़ती जाती हैं कब कौन सा टॉपिक कहां ऐड कर दिया जाए, कौन सा क्वेश्चन कहां आपको नया देखने को मिल जाए, हर बार लगभग चेंजिंग होता रहता थोड़ा बहुत। इसके अलावा टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी, जैसे कि इसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट बचा हुआ है, पजल टेस्ट बचा हुआ है, इनपुट आउटपुट है, इक्वलिटी नॉन इक्वलिटी है, ये आपका रहेगा रीजनिंग का सिलेबस। सबसे बड़ी बात, टीचर्स के द्वारा ये बताया जाता है कि ये रीजनिंग राजस्थान पुलिस के लिए है, ये रीजनिंग पटवारी के लिए है, ये रीजनिंग एनटीपीसी के लिए है, ये रीजनिंग एसएससी के लिए है। जबकि मेरा मानना यह है कि जहां से आप रीजनिंग को शुरू करते हो इस जगह से, वो आपका रीजनिंग का होता है बेसिक। अगर आप वहां से थोड़ा सा ऊपर लगातार बढ़ते हुए आते हो तो इसी पैटर्न से राजस्थान पुलिस भी क्लियर होता है, पटवारी भी क्लियर होता है, आपका एनटीपीसी भी क्लियर है, एसएससी भी क्लियर है, और थोड़ा लेवल आपको बैंक तक भी पहुंचाया जाएगा। खास तौर से ये हो गया आपका जो आपका लेवल रहेगा आपका बिल्कुल जीरो। जीरो का मतलब होता है बेसिक। रीजनिंग कैसे कही जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक, जो चीज आपको अब तक देखने को नहीं मिली है। क्लासेज में कोर्स जल्दी होता है, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव क्लासेज भी देखने को मिलेंगी। यूट्यूब पर आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, जो चीज आपको क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है,
किसी भी अध्यापक के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ बेस्ट चीजें लेवल जीरो से लेकर के आपको टॉप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये जो काम है ये सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं होगा, इसमें हमें आपको आपकी सहभागिता भी आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ आगे करना है तो अपना कर्म जरूर करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपके लिए गाइडेंस देते हैं, हम सिर्फ आपके लिए देते हैं मार्गदर्शन। उस रास्ते पर चलना ना चलना आपका काम होता है, हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम आपको उस रास्ते को दिखा दें कि बेटा आपको यहाँ पे जाना है। उस रास्ते पर जाना न जाना वो आपका काम होता है। अगर आप उस रास्ते पे जाते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को आगे कर रहे हो, और अगर आप वहां से भटकते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो। सबसे पहली बात करता हूं, चाहे लेवल पुलिस का हो, चाहे पटवारी का, चाहे एसएससी का, टॉपिक का जो लिमिटेशन रहेगा वो रहेगा लगभग हमारी हर टॉपिक में 5 से 6 क्लास। इसी तरीके से प्रत्येक क्लास आपके 1 घंटे की रहेगी, उस 1 घंटे के अंदर रीजनिंग का कोर्स आपका रहने वाला है लगभग 100 क्लास के आसपास, लगभग 100 से 120 क्लास आपकी रीजनिंग के रहने वाली है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके भले के लिए किया जा रहा है। आप बस लगातार हमारे चैनल साथ बने रहें, सब कुछ आपको बेस्ट से बेस्ट मिलेगा, लेकिन हमारे साथ साथ इसमें आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। ये रही आपके पास रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक नॉलेज। रीजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, आपके लिए मैथ भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जीके भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सारी सब्जेक्ट का एवरेज लेके चलना पड़ेगा, ऑलवेज एवरेज लेके चले हमेशा। रीजनिंग की अगर मैं आपको टॉपिक की शुरुआत करवाऊंगा, सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं क्या, वर्णमाला। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वर्णमाला के अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, घड़ी, दिशा, ब्लड रिलेशन, घनपासा, रैंकिंग, उसी प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह वगैरह। हाल ही में हुए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अगर मैं आपको रीजनिंग के बारे में कुछ बताऊं तो 25 क्वेश्चनों में से सबसे पहले कैलेंडर बिल्कुल देखने को नहीं मिला, घड़ी बिल्कुल देखने को नहीं मिली, दिशा बिल्कुल देखने को नहीं मिला, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आया था, घनपासा क्वेश्चन आया था, रैंकिंग टेस्ट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहने वाले हैं एनालॉजी से सीजीएल के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे क्लासिफिकेशन के अंदर। वर्णमाला कोडिंग डिकोडिंग दोनों से थे 3 से 4 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑलवेज 1 क्वेश्चन रहने वाला है, फिगर काउंटिंग ऑलवेज 1 क्वेश्चन रहने वाला है। फिगर काउंटिंग के अंदर ट्रायंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रायंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रायंगल के अलावा आपको स्क्वायर, स्क्वायर के अलावा आपको रेक्टेंगल, वर्ग, आयत, त्रिभुज, इन तीनों पॉइंट्स के अलावा आपको चतुर्भुज भी मिल सकते हैं, पंचभुज भी मिल सकते हैं, विकर्ण भी मिल सकता है, स्ट्रेट लाइन भी मिल सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल सकती है, वर्टिकल लाइन भी मिल सकती है। सब कुछ आपको किसके अंदर मिलेगा, फिगर काउंटिंग के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ऐसे आपका बनता है। सीरीज और मिसिंग नंबर, सीरीज आपकी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार के सीरीज के अंदर सीरीज नंबर फर्स्ट जो आपकी आती है वो आती है आपकी अल्फाबेटिकली, जहां पर आपको वर्णमाला का प्रयोग करना पड़ेगा। नंबर 2 जो सीरीज होती है आपकी वो होती है आपकी न्यूमेरिकली, जहां पर आप लोग प्रयोग करते हो 2, 4, 6, 8, 10 दिन आगे के आने वाला है। सब कुछ इजी वे में बताया जाएगा आपको, 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, टॉप पर पहुंचाया जाएगा। एवरेस्ट इंस्टीट्यूट जो अलवर का जो यूट्यूब चैनल है वो खासतौर से आपके लिए बनाया गया है, सबसे टॉप क्वालिटी आपको देगा। उसके अलावा मिसिंग नंबर पहुंच गए, दोनों सेम पैटर्न है, यहां से क्वेश्चन मोर देन आने वाले हैं। खासतौर से रेलवे एग्जाम में अगर बात की जाए तो रेलवे के एग्जाम के अंदर अवधारणा, अनुमान, तर्क, कार्रवाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कथन, निष्कर्ष सब एग्जाम के अंदर आता है। एसएससी के अंदर 1 भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ाया जाएगा। आपके जो सिलेबस की शुरुआत है वो जल्दी ही चालू की जाएगी। मुझे सिर्फ आपको रीजनिंग का इंट्रो देना था, मुझे अब आपको अपने चैनल के बारे में बताना था। तो अगर वीडियो पसंद लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारी जो नई ब्रांच खुली है ऑनलाइन ब्रांचेज वो खुली है राजगढ़ के अंदर।
यहां से आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी राजगढ़ में सभी अनुभवी अध्यापकों के द्वारा। राजगढ़ में जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनका जो हमारा पता है वो रेलवे स्टेशन के पास रहेगा, और यहाँ तो आप जानते ही हो मालवीय नगर हेड ऑफिस जो आपका एरोस इंस्टीट्यूट का है वो मालवीय नगर में है। एक ब्रांच हमारी नयाबास पर भी है और हमने अभी नई ब्रांच ओपन की है ऑनलाइन क्लासेज राजगढ़ के अंदर। बेस्ट क्वालिटी आपको दी जाएगी, आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी रीजनिंग के 200 ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय।